गर्लफ्रेंड नाराज होगी, इस तरह के भाई इसकी गर्लफ्रेंड नाराज होगी, वो भी नहीं मान रहा, उसकी गर्लफ्रेंड पता नहीं नाराज है, क्या मसला है। बाकी ये है हमारी मज पैसे। Hey guys, this is my second vlog. So, तकरीबन सुबह के 8:30 का टाइम हुआ है अभी, तो मैं अभी भैंसों को चारा वगैरह लेकर आया हूँ। बट मेरी हालत को इग्नोर मारना, क्योंकि अभी मैं काम को में बिजी हूँ और हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया था, उसमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, सो अपने भाई अपने भाई को इसी तरह प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करता हूँ, क्या नहीं करता, कितना टाइम अपना वीडियो को देता हूँ, कितना टाइम मैं वीडियो को बनाता हूँ, कितना टाइम मैं अपने टेक वाले चैनल को देता हूँ जिसमें मैं टेक्निकल एडिटिंग वगैरह सिखाता हूँ। टेक वाले चैनल पर आज जो मैं अपनी तकरीबन पहली वीडियो शूट करूँगा, लिंक भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में पा दूँगा। तो इस ब्लॉग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैं कहाँ पर रहता हूँ, क्या नहीं, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ ये तो आपको पता है, लेकिन कौन से विलेज में रहता हूँ, कहाँ पर रहता हूँ, क्या सीन है, क्या काम करता हूँ, हर चीज़ इस वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि लाजमी है। तो चैनल पर नहीं आता वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। इसी तरह मैं अपने डेली बेसिस पर ब्लॉग वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। और क्या नहीं है, मेरा हालत है, मेरी हालत देख लो, मैं बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है मेरी। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाएंगे आपको वीडियो में। सुबह सुबह उठकर मैंने अपने पट्ठे वट्ठे लेकर आया, अब कूटने जा रहा हूँ और उसकी वीडियो दिखाता हूँ आपको, क्या सीन है, किस तरह कूटता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, इसी तरह प्यार करते रहें, ब्लॉग को स्टार्ट कर दें। नाउ तो फाइनली गाइज हमने अपने चारा वगैरह कूट लिया भैंसों के लिए, जो के बाद अब गिरेंगे यानी भैंसों को। और यहाँ पर हम तूड़ी वगैरह निकालने के लिए आए हैं, इस तूड़ी को इसको बैठा भी कूट कर आए हैं, उतर कर आए हैं, उसमें मिलाएंगे, उसके बाद उसको मिलाकर हम इनको गिरेंगे भैंसों। जब ये जम जाती है तो इसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जब यानी पूरे 6 महीने या साल ये जमी हुई होती है और उसके बाद उसको उखाड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप देख लिया, गाइज फाइनली हम अपने जानवरों को पट्ठे वगैरह भैंसों को चारा वगैरह घेर कर फारग हो गया हूँ मैं। हमारी भैंस हैं और आपको नज़र आ रही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत हैं। गाइज इसे पूछते हैं कि भाई इसके फैमिली वाले किधर हैं, अकेले ही अकेला लगे जा रहा है। तो ये तो हमारा दोस्त है, लेकिन पता नहीं क्यों खाने में लगा हुआ है ना, क्योंकि जब कोई जानवर खाता है तो अपने पेट की पड़ी होती है और किसी की पड़ी होती है। भाई ओ गर्लफ्रेंड नाराज़ होगी, जिस तरह के भाई इसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ होगी। हेलो भाई, ये तो नाराज़ हो गया, इसकी फैमिली कहाँ पर रहती है। सो पर जो छोटे मोटे जानवर होते हैं हम पालते हैं, बाकी इसकी फैमिली से मिलाते हैं। भाई ये इनका कमरा है, जो कि बहुत ही VIP बना रखा है हमने। तो इनको बारी से दिखाते हैं, इनको बारी रखी हुई है इनकी फैमिली वाले, और बाकी वो उनका सुरागरा है यानी इनका कमरा जो इन्होंने खुद ने तैयार किया हुआ। इनके कमरे के अंदर चलते हैं, मैं नहीं बढ़ सकता बट अब मेरा फ़ोन बढ़ जाएगा। हेलो हेलो भाई, क्या हाल है, ठीक हो या क्या कर रहे हो। बाकी गाइज ये तो नाराज़ नहीं है हमसे, बट इनकी फैमिली वाला जो बड़ा मेम्बर है वो मुझे लगता है जिससे नाराज़ है हमसे। क्या कर रहे हो भाई, खाना खा रहे हो अकेले अकेले। हेलो, अरे अच्छा भाई, ये इनकी फैमिली का बड़ा मेम्बर है जहाँ पर खाना खा रहा है, यहाँ पर हमसे बात भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नाराज़ है। ओ भाई तो क्या कर रहे हो, अपने टेक के चैनल के लिए वीडियो शूट करनी थी एडिटिंग की, उसको भी मैं दिखाते हैं। वीडियो बनाने से पहले हम नहाकर आते हैं, क्योंकि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, कि वो भी नहीं मान रहा, उसकी गर्लफ्रेंड पता नहीं नाराज़ है, क्या मसला है हमसे। भाई मान ही दे, एक और आ गया भाई, एक और आ गया, फिर आ गया वो लड़का, गोलियाँ दिख रही थी तुझे, क्या मस्तियाँ कर रहा है, फिर नाराज़ हो गया, फिर आ गया, क्या हो गया भाई। भाई
भाई सीन इस तरह के, वो भी नाराज है हमसे, मुझे भी नाराज है, उसको पता नहीं क्या हो गया, चक्कर मार कर फिर चला जाता है, आता है चला जाता है, मुझे लगता है उससे नाराज है, वो खड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा चारा वगैरह खाने के लिए, खाना खाने के लिए, तो ये वाला है ये मुझसे नाराज है और वो इससे नाराज है क्योंकि बड़ा मेम्बर है, ये खाना खा रहा था और वो दूसरा देख कर भाग जाता है, इस तरह का भाई ये हमसे नाराज है और वो इससे नाराज है, भाई अब क्या सीन है, अब मुझे नहीं पता, बाकी ये हमारी मज ऐसे बहुत क्यूट है भाई, बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये वो डेंजरस गायें हमारी जो मारती है भाई, डर लगता है भाई, ये भी बहुत क्यूट है। एडिटिंग की वीडियो शूट करनी है, इसके लिए मुझे नहाना होगा, मुझे अपनी हालत सेट करनी होगी, इसके बाद वीडियो बनाएंगे क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाकी मैं नहा कर आता हूँ। सो गाइस हम नहा धोकर अपनी छत पर वापस आ चुके हैं, इसके बाद मैंने अपना एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाना है जिसमें मैं वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा, एडिटिंग किस पे करता हूँ मैं, वो सारा बेसिन आपको टेक चैनल पर मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो की लिंक है, एडिटिंग की वीडियो उस पर क्लिक करें, एडिटिंग वीडियो पसंद आए तो इस तरह की वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वो मेरा सेकंड चैनल है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, उस पर टेक की वीडियोस बनाता हूँ, यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, आपको इग्नोर करना पड़ेगा जो इमेज वगैरह सुनाई दे रही है आप। सो गाइज इस वीडियो को मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ जो अभी हमने शूट की थी, सो इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो एडिटिंग करता हूँ जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, सो अगर आप वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, वीडियो एडिटिंग पसंद करते हो, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लिंक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा।